राष्ट्रीय माध्यमिक हिंदी विद्यालय अंबाजरी में शिक्षण संस्था द्वारा अग्नि सुरक्षा जागरूकता विषय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक हिंदी विद्यालय अंबाजरी में ऑर्टिस फैक्ट्री अंबाजरी शिक्षण संस्था द्वारा अग्नि सुरक्षा जागरूकता विषय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आग लगने की घटना अचानक कहीं पर भी घट सकती है, इसलिए मानवता की हानि हो सकती है। आग पर नियंत्रण किस प्रकार की जानी चाहिए, इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। इस प्रकार घटना से सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक हिंदी विद्यालय अंबाजरी डिफेंस में एक दिवसीय अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख मार्गदर्शक राजेश सबनिस, अर्बन रेस्क्यू एक्सपर्ट इन्होंने आग पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है यह प्रात्यक्षिक दिखाकर विद्यार्थियों को विस्तार पूर्वक समझा कर बताया। शालेय पोषण आहार स्कूल में पकाया जाता है, इसलिए स्वयं पाक गृह में पोषण आहार बनाने वाली महिला को अग्निशमन तंत्र की जानकारी होना आवश्यक है। लगी हुई आग को विविध तंत्र का इस्तेमाल करके आग बुझाना, किसी व्यक्ति को मूर्छा आती है तो प्राथमिक उपचार करना, इस प्रकार विविध तंत्र का उपयोग और प्रशिक्षण इस कार्यशाला में दिया गया। इस कार्यशाला में अर्बन रेस्क्यू एक्सपर्ट राजेश सबनिस, पृथ्वी रामटे की उपस्थित थे। शालेय कर्मचारी, विद्यार्थी, पालक और परिसर के नागरिकों ने अग्निशमन प्रशिक्षण का लाभ लिया। कार्यक्रम यशस्वी करने हेतु आयुध निर्माणी कर्मचारी JWM सीपी काले, NR शास्त्री, धर्मपाल सिहाग, अमित कुमार सिंह, अतुल गानर, योगेश नांदीकर, अमूल सपकाले, मनीष रंजन शर्मा, परमल सिंह ठाकुर, इन्होंने परिश्रम किया। ऑर्नर्स फैक्ट्री रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के शास्त्री सर और काले सर और राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल, इनके संयुक्त तो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फायर एंड सेफ्टी के ऊपर में बच्चों को क्या जानकारी होनी चाहिए, इसमें इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज दिन भर दिन जो घटनाएं घटती जा रही है, जिसमें जान और माल का नुकसान बढ़ते जा रहा है, उसको देखते हुए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण के दौरान अगर आग लगती है तो उस पर हमने क्या प्रयोजन करना है, अगर आग ना लगे इसके ऊपर भी हमने क्या सोचना है, और साथ ही साथ अगर हमारे पास कई उपकरण हैं तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये इस प्रशिक्षण का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग था, जिसमें बच्चों को भी इस प्रकार के उपकरण को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में पूरी प्रत्यक्षिक और प्रशिक्षण दिया गया। खास करके हम लोग सोचते हैं कि उपकरण हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, फायरवेड आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन कोई भी आग का प्रथम चरण जो होता है उसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, इसने इसके ऊपर में अगर कहीं हलचल की या उसके ऊपर में कहीं रोकथाम किया तो शायद बड़ी आग होने से बच सकती है। तो ये मकसद था इस ट्रेनिंग में कि जिसमें हम लोग इम्प्रोवाइज सिस्टम में आग को कैसे बुझाएं, जैसे ग्रीन ब्रांचेस हो गए, मिट्टी होगी, रेत हो गया, पानी हो गया, ब्लैंकेट हो गया, इसके माध्यम से आग कैसे बुझाना ये दिखाया गया। साथ ही साथ रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हमारे जो जवान जो है, जिन्होंने इन्हें फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल करना है कि अगर आग लगी है, जैसे हम मॉल में है, हॉस्पिटल में है, स्कूल में है, मार्केट में है, तो यहाँ पे हर जगह पे फायर फाइटिंग और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्टॉलेशन होता है। ऐसे वक्त अगर एक्सटिंग्विशर आपके पास में है उस वक्त कैसे चलाना और आग को कैसे बुझाना, इसके बारे में जानकारी। अब इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, आग लग तो जाती है, लग जाने के बाद में कई सारे इफेक्टेड लोग होते हैं, जो कोई जल जाता है, कहीं टूट जाए उसको जो जख्म हो जाती है, या कहीं कोई मूर्छित हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ऐसे वक्त हमें प्राथमिकता किस चीज़ को देने की है कि जैसे ही फायर फाइटिंग करने की तो बात तो हमने कर ली, लेकिन जो इफेक्टेड है अब उन्हें हमें रिकवर कैसे करना है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। अब जब मास कैजुअल्टीज है आपके पास में तो वहाँ पर रिकवर करना बहुत मुश्किल जाता है, तो हमें सेग्रीगेट करके, हमने ट्रियाज करके कैजुअल्टी को प्राथमिकता देना है। प्राथमिकता में सबसे पहले देखी जाती है कि आग लगने के बाद में सबसे पहले वहाँ पे भारी मात्रा में प्लास्टिक जलता है, प्लास्टिक जलने से कार्बन मोनोक्साइड आता है, और कार्बन मोनोक्साइड आने से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है या उसकी सांस घुट जाती है और वो दम तोड़ देता है। तो सबसे पहले उसकी जो रेस्पिरेटरी है उसको रिस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, और रिस्टार्ट करने के लिए हमने सबसे बहुत आसान तरीका जो होता है ये CPR, कार्डिया पर्मरी रेस्टिट्यूशन, ये कार्य प्रणाली को हमने प्रत्यक्ष में दिखाया, ताकि जो भी किसी कार्डिया अरेस्ट हो गया है या रेस्पिरेटरी का फ्लॉप है उसको हमने कैसे रिस्टार्ट करना है, जिसमें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और CPR के माध्यम से हमें कैसे रिकवर करना है। साथ ही साथ क्या होता है कि जब भी आग लगती है तब भगदड़ मचती है,
और भगदड़ में काफी लोग जख्मी हो जाते हैं। जख्मी होने के बाद में व्यक्ति को उठा के लेके जाने की सबसे बड़ी मुश्किल रहती है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे हमारे पास स्ट्रेचर या और भी सारे नाम सामग्री नहीं रहती है। तो यही एक भाग जो है इसमें कि जो तात्कालिक उस जगह पे आपको जो कुछ संदान जुड़ा पाते हैं, जैसे आपने देखे थे रस्से का हमने स्ट्रेचर बना दिए, कपड़े का स्ट्रेचर बना दिए या हाथ का स्ट्रेचर बना दिए, ऐसे विभिन्न प्रणाली जो होती है जो वहाँ पे तत्काल वहाँ पे खड़े रहती है उसको हमने इस्तेमाल किए, और जो इफेक्टेड लोग हैं उनको हमने हॉस्पिटल किया। मुख्यतः होता है कि हम लोग सोचते हैं कि फायर ब्रिगेड आगे बाद में देखा जाएगा वो क्या है, लेकिन एक कॉमन आदमी, एक कॉमन मैन का एक जिम्मेदारी होती है कि अगर मैं अगर वहाँ पे हूँ तो मैंने क्या चीज़ को अपनाना है। आजकल के जितने भी पिक्चर होते हैं इसमें क्या करना ये तो बताया जाता है, लेकिन क्या नहीं करना ये नहीं बताया जाता है, और अधिकतर भारतवर्ष में यही चीज़ होती है क्या नहीं करना इसकी जानकारी नहीं होने के वास्ते लोगों की जान जाती है। इनबीसीएन न्यूज़ के लिए बाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।